तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे डायपर रैश के बारे में। इसमें जरा सी भी लापरवाही बच्चों को तो सबसे पहले प्रिकॉशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल द लिटिल वर्ल्ड इंडिया। तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे डायपर रैश के बारे में। जैसे कि गर्मी यानी कि समर सीजन चालू है, इस सीजन में बेबीज में डायपर रैश बहुत ही कॉमन होता है। तो आज हम जानेंगे कि डायपर रैश क्या होता है, क्यों होता है, उसके मुख्य रीज़न क्या है और आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिसके वजह से आपके बेबी को डायपर रैश ना हो। उसके साथ ही मैं आपको सजेस्ट करूँगी एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक जिसके साथ आप डायपर रैश से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि डायपर रैश क्या होता है। जैसे कि बच्चों की स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है, इसमें ज़रा सी भी लापरवाही बच्चों को रैश होने का खतरा बढ़ा सकती है। देखा जाए तो जो बच्चे ज़्यादा डायपर में रहते हैं उनमें ये समस्या ज़्यादा देखी जाती है। लंबे समय तक गीले में रहना या डायपर फुल हो जाना या बहुत देर तक पॉटी में रहने से भी डायपर रैश हो जाता है, जिससे कि बच्चों का बॉटम एरिया बहुत ही ज़्यादा रेड और बहुत ही ज़्यादा पेनफुल हो जाता है। कभी कभी तो इतना ज़्यादा तकलीफ हो जाता है कि बच्चे को बैठना, खेलना, यहाँ तक कि लेटने में भी प्रॉब्लम होती है। तो फ्रेंड्स ये तो था कि डायपर रैश क्या होता है और क्यों होता है। तो अब बात करेंगे हम कि हमें क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए। तो सबसे पहले प्रिकॉशन की अगर हम बात करेंगे तो वो ये है कि यूज़ प्रॉपर साइज ऑफ डायपर, यानी कि आपको अपने बेबी के डायपर साइज को बहुत ही परफेक्ट लेना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखेंगे तो डायपर के पैकेट में लिखा होता है 7 to 14 kg और आपके बेबी का वेट है 12 to 13 kg, तो इन दैट केस आपको ये ट्राई करना है कि आप वो 7 to 14 kg वाला डायपर पैकेट ना लें बल्कि उससे बड़ा साइज़ लें। तो होगा ये कि अगर आप परफेक्ट साइज़ लेंगे अपने बेबी के वेट के अकॉर्डिंग तो वो बहुत ही जल्दी फुल हो जाएगा, क्योंकि वो बॉटम एरिया में बहुत ज़्यादा चिपका हुआ रहेगा और उस वजह से आपके बेबी के स्किन फोल्ड्स में भी स्टक होगा। तो सेकेंड प्रिकॉशन की बात करें तो वो ये है कि जब भी आप अपने बेबी का डायपर चेंज करें तो ऑलवेज ओपन इट बाय साइड वाइज। अगर आप अपने बेबी के डायपर को स्ट्रेट निकालेंगे तो वो आपके बेबी के स्किन में घिसेगा और वहाँ डायपर रैश होने का खतरा बढ़ जाएगा। तो आप ये ट्राई करें कि आप अपने बेबी के डायपर को साइड वाइज ही उतारें। तो थर्ड प्रिकॉशन में आपको अपने बेबी का डायपर टाइम टू टाइम चेक करना है और इफ़ रिक्वायर्ड तो आपको टाइम टू टाइम उसे चेंज करते रहना चाहिए। तो नेक्स्ट है अवॉइड बेबी वेट वाइप्स एंड यूज कॉटन क्लोथ। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि बेबी वेट वाइप्स में अल्कोहल यूज होता है जो आपकी बेबी के सेंसिटिव स्किन के लिए अच्छा नहीं है। आप उसके बदले कॉटन क्लोथ्स को हल्का वार्म वाटर में यानी कि गुनगुने पानी में हल्का गीला करके आप अपने बेबी के बॉटम एरिया को जेंटली वाइप कर सकते हैं। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं या आप कहीं ऐसे जगह हैं जहां आप कॉटन क्लोथ्स यूज़ नहीं कर सकते तो इन दैट सिचुएशन आप बेबी वेट वाइप्स को यूज़ कर सकते हैं। तो फिफ्थ प्रिकॉशन जो लास्ट है और जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप अपने बेबी को डायपर फ्री टाइम दें जिसके वजह से आपके बेबी का स्किन ब्रीथ कर सके। अगर आप घर में हैं तो आप ये ट्राई करिए कि आप डायपर के बदले कॉटन पैंट्स या बच्चे को नैपी पहना के रखें। तो ये तो था प्रिकॉशन। अब हम बात करेंगे कि आपको डायपर रैश में अपने बेबी को क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए। नंबर 1, कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल होता है। आप सभी के घरों में कोकोनट ऑयल इजीली अवेलेबल होता है। अगर बेबी को माइल्ड रैशेस है तो इन दैट कंडीशन आप अपने बेबी को कोकोनट ऑयल लगा के उसे ठीक कर सकते हैं। बट आपको ये ध्यान देना है कि कोकोनट ऑयल लगाने से पहले आपको बेबी के अफेक्टेड एरिया को पानी से थोड़ा सा क्लीन कर लेना है और पैड ड्राई कर लेना है। और अगर आपके बेबी को माइल्ड रैशेस नहीं है यानी कि रैशेस ज़्यादा है तो हम बात करेंगे सेकेंड ट्रीटमेंट की। तो सेकेंड ट्रीटमेंट की बात करें तो आपको डायपर रैश क्रीम यूज़ करना चाहिए। बट आप इस बात का ध्यान दें कि आप डायपर रैश क्रीम मेडिकेटेड ही यूज़ करें। अगर आप चाहें तो आप जिंक का डायपर रैश क्रीम यूज़ कर सकते हैं जिसका रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आई होप सो आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर।